अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब देखने वालों को खुश आमदीद। मेरा नाम है फैज़ान अहमद और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फैज़ी थिंग्स। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रमज़ान अल मुबारक का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। इस वीडियो में मैं आपको रमज़ान अल मुबारक के दूसरा अशरा की दुआ के बारे में बताऊँगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारामद साबित होगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, दूसरा अशरा की दुआ के बारे में बताने से पहले आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि आपको रोज़ा की फजीलत के बारे में और उसकी फर्जियत का अंदाज़ा हो सके, उसके बारे में पता चल सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखा वो बख्शा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब है दूसरा अशरा की दुआ। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है। जैसे पहला अशरा रहमत का अशरा था, दूसरा मग़फ़िरत का अशरा और तीसरा अशरा दोज़ख़ की आग से निजात का है। इसकी दुआ है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। तर्जमा है इसका उर्दू में, मैं अल्लाह से तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है, और इसकी तरफ रजू करता हूँ। दोबारा तर्जमा, मैं अल्लाह से तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है, और उसी की तरफ रजू करता हूँ। तो देखा दोस्तों, इस वीडियो में आपको रोज़ा की फर्जियत, उसकी फजीलत के बारे में, इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया, और रोज़ा के दूसरे अशरा की दुआ यानी कि मग़फ़िरत की दुआ, जो मग़फ़िरत का अशरा है उसके बारे में बताई गई। रोज़ा का दूसरा अशरा 11वें से लेकर 20वें रोज़ा तक के हिस्से को कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।